Hello student, stay safe and healthy. Today's our topic is rural urban composition in India. Okay student, और बच्चों आपको पता है the population of any country is divided into urban and rural. आपके populations के अंदर आपकी डिवाइड की जाती है on the basis of the place of the residence base के आधार पर. और the population in the towns and the cities is called the urban population, whereas that living in the villages is known as the rural population. और the division of the population in the rural या फिर आपका urban categories के अंदर it is the necessary because both the categories differ होती हैं in their livelihood में, their social environment में, और इनका जो occupational जो structure होता है, density of the population होती है या फिर level of the social या economic growth का होता है has the variations. वो क्या कहता है रखता है variation रखता है. और people living in the villages आर मोस्टली आपको मेनली अंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़. वो ज़्यादातर कौन से कार्य के अंदर आपको अंगेज रहते हैं इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ सच एज जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, लम्बरिंग या फिर माइनिंग जो वर्क होता है. और ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ द टाउन एंड द सिटीज़ आर अंगेज इन द सेकेंडरी एंड द टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या सर्विसेज है जो वर्क है वो किया जाता है. और दे आर कॉल्ड द अर्बन, उनको क्या कहा जाता है, अर्बन कहा जाता है, शहरी कहा जाता है. बच्चों देयर हैज़ बीन ए रैपिड ग्रोथ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, रैपिड ग्रोथ पाई जाती है ड्यू टू द आपका माइग्रेशंस के कारण या फिर रिजल्ट ऑफ द नेचुरल ग्रोथ के रिजल्ट के कारण. क्योंकि जो पीपल होते हैं दे माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया की तरफ आपका माइग्रेट करते रहते हैं. क्योंकि जो अर्बन जो सेंटर्स होते हैं ऑफर द हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको ऑफर करता है, सोशल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है या फिर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग का है वो प्रोवाइड करता है. हैंस इस वास्ते दे अट्रैक्ट द लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज. स्टूडेंट यू नो आवर इंडिया जो कंट्री है इट इज़ द कंट्री ऑफ द विलेजेस. वो किसकी कंट्री है, विलेजेस की कंट्री कही जाती है. और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ द 640,867 विलेजेज है वो रखते हैं. हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन के हाईएस्ट परसेंटेज रखता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. और कितना परसेंटेज आपका जो पॉपुलेशन है इसकी जो रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है इसकी टोटल पॉपुलेशन में से 89.96 जो परसेंटेज है लिव इन द विलेजेज. वो क्या ज़्यादातर कहाँ पर रहती है, विलेजेस के अंदर रहती है. इस वास्ते हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन की हाईएस्ट परसेंटेज रखता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. और इसके बाद है आपका बिहार, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या असम या फिर ओडिशा, ये जो स्टेट्स हैं दिस स्टेट हैव द 80% ऑफ द देयर आपकी टोटल पॉपुलेशन का 80 जो परसेंट है आपका लिव जो पॉपुलेशन लिव इन द विलेजेज आपके विलेजेज के अंदर रहती हैं. जबकि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड द केरला हैव द परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हायर देन द एवरेज ऑफ द नेशनल. आपकी जो रूरल पॉपुलेशन की नेशनल एवरेज से भी हायर रखते हैं. और हमारी जो नेशनल एवरेज आपकी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी नेशनल एवरेज है इंडिया की ऑफ द रूरल पॉपुलेशन की, डैट इज आपका 68.84%. यानी कि आपका 68.84% से आपकी जो ये स्टेट्स हैं हायर है आपकी रूरल पॉपुलेशन है. कंसिस्ट करते हैं दिल्ली, आपका जो हमारी दिल्ली जो आपकी हमारी जो कैपिटल है इट हैज़ द मिनिमम ऑफ द रूरल पॉपुलेशन रखती है. और कितनी परसेंटेज आपकी जो कि कंसिस्ट किए हुए हैं ये रूरल पॉपुलेशन का, इट कंसिस्ट ओनली 2.5%. जबकि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ है और इट हैज़ द अबाउट द 2.75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन है वो आपकी रखती है. हरियाणा एंड द वेस्ट बंगाल आल्सो हैव ओवर 65% ऑफ देयर पॉपुलेशन एज ए रूरल पॉपुलेशन के उसमें रखते हैं. और बच्चों नाउ कम ऑन द अर्बन पॉपुलेशन, अब आइए अर्बन पॉपुलेशन पर. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 31.60% जो हमारी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया की, लिव इन द अर्बन एरिया। वो ज़्यादातर कहाँ पे रहती है? आपके अर्बन एरिया के अंदर, यानी कि अर्बन एरिया हमारे 31.16 जो परसेंट है पॉपुलेशन को कंसिस्ट किए हुए हैं। और जो हमारी गोवा इज़ द मोस्ट आपके अर्बनिस स्टेट है, जहाँ पर आपका 62.17% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरियाज के ऊपर आपकी रहती है। और इट इज़ फॉलोड बाय द तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड पंजाब के द्वारा फॉलोड की जाती है, जहाँ की यानी कि इन जो स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से 50% जो पॉपुलेशन है लिव इन द अर्बन, यानी कि 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज अर्बन। वो क्या है? अर्बन है। जबकि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, जो स्टेट हैज़ द आपको लोवेस्ट लेवल ऑफ द रखती है, ऑफ द अर्बनाइजेशन का आपको लोवेस्ट लेवल रखती है, यानी कि ये जो स्टेट है आपका बिल्कुल आपका 10% है इनकी, इसकी जो पॉपुलेशन आर आपकी है क्या है, इज़ द अर्बन, आपकी अर्बन पाई जाती है। दिल्ली एंड द चंडीगढ़ हमारी जो है अर्बनिस्ट आपकी हमारी स्टेट है, और इन दोनों स्टेट्स के आपके अंदर 97% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 97% आपका जो भाग है वो कैसा है, इट इज़ द अर्बन। वो क्या है? अर्बन है। जबकि अंडमान एंड द निकोबार हमारी जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, अमंग ऑल द आपकी यूनियन टेरिटरी में से दीज आपकी यूनियन टेरिटरी हैज़ द लो लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन का, लो लेवल रखती है। और वो लेवल कितना है अंडमान एंड निकोबार का? इट कंस इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 35.67 जो आपकी टोटल पॉपुलेशन का इतना जो पार्ट है इट इज़ आपका अर्बन है। स्टूडेंट इन फैक्ट वास्तव में ऑल द यूनियन टेरिटरी सिवाय दादर एंड द नागर हवेली के एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आर हाईली अर्बनिस्ट एरियाज। टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया की इट इज कंसिस्ट बाय द 5 स्टेट। ज़्यादातर कौन सी आपकी 5 स्टेट के द्वारा आपका कंसिस्ट की गई है, और वो स्टेट कौन सी है? दीज आर द महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि ये जो 5 स्टेट है दीज स्टेट कंसिस्ट द 3rd-4th part ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया की आपको कंसिस्ट किए हुए हैं, और इनकी जो 3rd-4th part ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का इज द अर्बन, क्या है? अर्बन है। और ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं जो हमारी जो 5 other states हैं, जैसे कि हमारी आप कौन सी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, राजस्थान है या बिहार है, ये जो आपकी 1/4 ऑफ द इंडिया का टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो आपका कंसिस्ट किए हुए हैं। इस वास्ते जो टोटल ऑफ द दीज 2 सेट, इन दोनों आपका टोटल एरिया की जो स्टेट्स का जो दोनों का जो सेट है कंसिस्ट आपका 3rd-4th part ऑफ द टोटल आपकी अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया का 3rd-4th part है वो कंसिस्ट किए हुए हैं। नाउ स्टूडेंट our this topic is complete.